नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेजन का यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे उसे रिकवर करें, कैसे उसे रीसेट करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अमेजन में पासवर्ड भूल जाते हैं और अपना नया पासवर्ड सेट करने के लिए, मतलब कि उस पासवर्ड को रीसेट करके एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए ओपन करते हैं अमेजन शॉपिंग ऐप को। अमेजन शॉपिंग ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन लाइन बना होगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना होगा और आपको क्लिक करना होगा योर अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब आप अमेजन में अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट किए होंगे। अगर आप अमेजन में ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर कीजिएगा, और यदि आप मोबाइल नंबर से क्रिएट किए होंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। मैं यहां पे अपना अकाउंट मोबाइल नंबर से क्रिएट किया हूं, तो यहां पे मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूं। मोबाइल नंबर इंटर कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहां पे कंटिन्यू। यहां पे आपका मोबाइल नंबर आ जाती है और यहां पे आपको अपना अमेजन का पासवर्ड डालना होता है। तो आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर आ जाती है, अगर ये मोबाइल नंबर गलत है तो यहाँ से आप इसे करेक्शन कर सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर ठीक है तो आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर पे एक ओपीटी भेजी जाती है, वो ओपीटी को यहाँ पे डालना होगा। मेरे मोबाइल नंबर पे ओपीटी आ चुका है और उस ओपीटी को मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ओपीटी डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना होता है और उसके बाद वही पासवर्ड फिर से यहाँ पे डालना होता है। पासवर्ड सेट करते वक्त आपको एक बात की ध्यान रखना होगा, पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, 6 कैरेक्टर से अधिक भी आप यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना नया पासवर्ड डाला हूँ और इसके बाद यहाँ पे फिर वही पासवर्ड को इंटर किया हूँ। ये पासवर्ड 6 कैरेक्टर का है। इतना कर लेने के बाद आप क्लिक कीजिएगा सेव चेंजेस। अब आपकी अमेजन की पासवर्ड चेंज हो जाती है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सक्सेस योर पासवर्ड हैज बीन चेंज। अब इसके बाद यहाँ से आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिएगा जो अभी आप क्रिएट किए हैं। पासवर्ड डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा लॉगिन। अब यहां से आप अपने अमेजन ऐप्स में लॉगिन हो जाते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद मेरा यहां पे नाम लिखा हुआ है और मैं अमेजन अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं। तो इस तरह से आप अमेजन में बड़े आसानी से अपने पासवर्ड को फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।